तो जल्दी से चढ़ जाओ भाई लोग, कुछ ही समय में मैच शुरू होने वाला है और मैं आपको यहाँ पर एक्यूरेट टीम बताने वाला हूँ जो आज धमाल करने वाली है। और इस टीम को हम शुरुआत करने वाले हैं सनराइजर्स हैदराबाद बनाम चेन्नई सुपर किंग्स के मैच के साथ। और इस मैच में क्या होने वाला है, प्रेडिक्शन क्या है, जीत कौन रहा है और कौन खिलाड़ी अंदर बाहर हो सकता है, ये हम दिखा सकते हैं। चेन्नई सुपर किंग्स ने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 5 मैचों में से 4 में जीत हासिल की है, तो चेन्नई का पलड़ा भारी है। हैदराबाद ने सीरीज में 3 मैच खेले हैं और अंक तालिका में 6ठे स्थान पर है, जबकि चेन्नई सुपर किंग्स ने 3 मैच खेले हैं और वो अंक तालिका में 3रे नंबर पर है। हैदराबाद ने गुजरात के खिलाफ खेले गए पिछले आखिरी मैच में टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 7 विकेट से हराया था। अब हैदराबाद के लिए उसमें बड़े खिलाड़ी फैंटेसी अंकों के साथ शाहबाज अहमद और अब्दुल समद थे जिनके पावर फैंटेसी अंक थे, जबकि अभिषेक शर्मा ने 49 फैंटेसी अंक बनाए थे। और दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ इस सीरीज में अपने आखिरी मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने सिर्फ फैंटेसी खिलाड़ी मथीसा पथाना थी जिन्होंने 107 फैंटेसी अंक बनाए। एमएस धोनी ने 69 मैच फैंटेसी अंक बनाए, जबकि अजिंक्य रहाणे ने 64 मैच फैंटेसी अंक बनाए थे। तो भाई हैदराबाद और चेन्नई की जो पिच है, हैदराबाद और चेन्नई के बीच जो मैच होने वाला है उसकी पिच रिपोर्ट क्या कहती है और मौसम की स्थिति क्या बोलती है, तो राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम हैदराबाद की पिच अच्छे स्ट्रोक की जानी जाती है, मतलब बल्लेबाजों का वहां पर धाकड़ रहने वाला है और विकेट लेना यहाँ पर भाई गेंदबाजों को आसान नहीं होगा। पिछले 20 मैचों में इस स्थान पर पहली पारी का औसत लगभग 171 रन है और आयोजन और जहाँ पर मैच हो रहा है उसकी पिच बहुत ही अच्छी है, बैलेंस पिच है, तो इस हिसाब से पलड़ा भारी नहीं रहेगा एक तरफ का, कि ऐसा नहीं हो कि किसी को बॉलिंग पारी मिलेगा तो उसका पलड़ा भारी हो जाएगा और वो जीतने की उम्मीद कर सकता है। अगर चेन्नई यहाँ पर टॉस हार भी जाती है और उसे बैटिंग करने को मिलती है तो फिर भी उसके चांस रहेंगे जीतने के। अब बाकी हैदराबाद का तो होम स्टेडियम में देखते हैं क्या करते हैं, घर है उनका। यहाँ स्थान तेज गेंदबाजों और स्पिनर दोनों के लिए समान रूप से एक जैसा है। तापमान की बात करते हैं, 36 डिग्री सेल्सियस की आर्द्रता रहने वाली है और 4.5 मीटर पर सेकंड के हिसाब से हवा चलने की उम्मीद है, तो मैच के दौरान बादल छाए रहने की भी उम्मीद है, इससे तेज गेंदबाजों को मूवमेंट में मदद मिल सकती है। तो चेन्नई और सनराइजर्स ने कितने मैच हेड टू हेड खेले हैं तो दोनों टीमों ने 20 मुकाबलों में हैदराबाद व चेन्नई सुपर किंग्स का रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। तो इन दोनों टीमों के बीच खेले गए 20 मुकाबलों में हैदराबाद और चेन्नई किंग्स के खिलाफ उसका रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, तो जांच के आधार पर हम अनुमान लगाते हैं कि यह रुझान जारी रहेगा और दोनों टीमों के बल्लेबाजों ने अपनी अपनी टीमों के लिए अब तक सबसे अधिक फैंटेसी अंक अर्जित किए हैं। दोनों टीमों ने आखिरी बार इंडियन प्रीमियर लीग 2023 के मैच में 29 में एक दूसरे के खिलाफ खेला था, जहां मयंक मार्कंडे ने सबसे अधिक फैंटेसी अंक बनाए थे, जबकि डेवन कॉनवे 105 मैच फैंटेसी अंकों के साथ चेन्नई सुपर किंग्स के लिए फैंटेसी पॉइंट लीडर बोर्ड में एक नंबर पर थे। हैदराबाद और चेन्नई के फैंटेसी शीर्ष खिलाड़ी कप्तान और कप्तान की कौन ज्यादा पसंद रहने वाला है, हम आपको ये भी बता देते हैं फटाफट। तो भाई देखो, इसमें पहले हम बताए जाते हैं हेनरिक क्लासन, भाई इसको तो मैं कैप्टन बनाऊंगा। हेनरिक क्लासन आपके ड्रीम 11 टीम के लिए अच्छी पसंद होना चाहिए। पिछले 10 मैचों में उनके पास औसतन 65 मैच फैंटेसी पॉइंट है और फैंटेसी रेटिंग 8.4 है। क्लासन दाएं हाथ के बल्लेबाज हैं और विकेट कीपिंग के लिए जाने जाते हैं। हाल ही में खेले गए 3 मैचों में उन्होंने बहुत जबरदस्त 83.5 की औसत से 167 रन बनाए हैं। अच्छी बात है भाई, वैसे रिकॉर्ड तोड़ दिया था RCB का 263 रनों का, जहाँ पर उन्होंने 277 रन ठोक दिए थे। अब हम आने वाले भाई 22 कैप्टन पर, तो जड्डू को हम 22 कैप्टन की में रखेंगे क्योंकि पिछले 10 मैचों में 49 फैंटेसी अंकों के साथ 7.8 की फैंटेसी रेटिंग के साथ जडेजा एक बढ़िया ऑलराउंडर है। हाल ही में खेले गए 3 मैचों में जडेजा ने 53 की औसत से 53 रन बनाए हैं। वे अच्छी गेंदबाजी भी करते हैं, धीमी हाथ की बाएं ऑर्थोडॉक्स गेंदबाजी करते हैं और हाल के मैचों में उन्होंने 79 की औसत से 1 विकेट लिया है। भाई ये हम आपको हैदराबाद का एक स्क्वाड दिखा देते हैं क्योंकि हैदराबाद की टीम है, हो सकता है आज, और हम आपको ये भी दिखा देते हैं, ये देखिए आज ये टीम खेल सकती है, संभावित टीम रहेगी। और चेन्नई सुपर किंग्स की देखिए, ये उनका पूरा स्क्वाड है और भाई ये आज उनकी टीम खेल सकती है, यहाँ पर अंदर बाहर होने का भी काम चलता रहेगा। तो हैदराबाद और चेन्नई की इस फैंटेसी 11 टीम में मैंने विकेट कीपर बल्लेबाज हेनरिक क्लासन को कप्तान बनाया है और अगले बल्लेबाज जो मैंने लिए हैं अभिषेक शर्मा, ऋतुराज गायकवाड़, मयंक अग्रवाल और शिवम दुबे, यानी कि
चार बल्लेबाज और एक क्लासिक, पांच बल्लेबाज हो गए, एक उसमें बैटकीपर विकेटकीपर हो गया। ऑलराउंडर की बात करें तो दो ऑलराउंडर लिए, मैंने कमिंस को जड्डू को लिया है, तो पांच तो सात खिलाड़ी हो गए। गेंदबाज की बात करें चार और लेना है तो दीपक चहर, मुस्ताफिजुर रहमान और टी नटराजन और भुवनेश्वर कुमार, ये हमारे वो गेंदबाज होने वाले हैं और ये हमारी पूरी फैंटेसी टीम है। इसके बाद मैं आपको मैच शुरू मैच के टॉस होने के बाद आपको देने वाला हूँ टेलीग्राम पे क्लियर कंफर्म टीम के क्या हो सकता है। भाई आज की मैच प्रोडक्शन भी हम देख लो, आज भाई चेन्नई और हैदराबाद के बीच हैदराबाद जीतेगा क्योंकि होम टाउन है और हैदराबाद खेलने में होम टाउन में अच्छा है। अभी आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? भाई जो भी जीतेगा कमेंट करके बताना, अपने प्रोडक्शन करना, मैं उसको रिप्लाई में आर्ट दूंगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, यहाँ पर मैं टीम डालने वाला हूँ। ठीक है, थैंक यू।